सो है गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक कम। तो गाइस 26 या 25 दिसंबर को कुछ मेरा पेमेंट आ गया था, जैसे कि वो कुछ खास मेरे को पता नहीं है, जैसे कि स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। और गाइस वो भी मेरा वो वाला मेरा जो पेमेंट है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप वगैरह का कुछ भी पेमेंट नहीं है, जैसे कि मेरा जो एडसेंस का, जैसे कि यूट्यूब का ही पेमेंट आया है, वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा कि वो खरीद सकते हो, वो गाड़ी खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। जैसे कि मेरा जो भी पेमेंट आया स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कितना पेमेंट आया। तो गाइस जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने 25 दिसंबर को मेरा कुछ पेमेंट आ गया था, 25 या 26, तभी से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था, जैसे कि कुछ काम में बिजी था। और गाइस 2021 में मैं कुछ वीडियो ही नहीं डाल पाया, जैसे कि आज मेरे को थोड़ा फुर्सत मिला तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे कि वीडियो शूट करने का इतना टाइम ही नहीं था तो मैंने आज बताया, मेरे को लगा कि चलो आज मैं वीडियो शूट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैंने बोया M1 माइक खरीद लिया तो मैं आपको बता दिया, और गाइस मेरा पेमेंट कितना है वो मैं अभी आपको मैं बताने वाला वीडियो में। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आगे की आपको एक मैं चीज़ बताऊँगा, जैसे कि आपकी चैनल ग्रोथ होएगी, जैसे कि मेरी तरह, जैसे कि आज किसी लोग का तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर है और गाइस व्यूज़ भी मेरे से भी अच्छा खासा आ रहा है। तो गाइस वो भी उसका अर्निंग का जैसे कि बता रहा है, जैसे कि YT स्टूडियो खोल के। तो गाइस उसका मेरे को सोचा कि जैसे कि उसका 500 व्यूज़ के ऊपर ही चला जाता है, 1000 व्यूज़ के ऊपर, तो भी इतना अच्छा खासा अर्न नहीं होता इसका। जैसे कि मेरा एडसेंस का अर्निंग ऐसा अच्छा खासा हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर का मैंने देखा, जैसे कि उसका अर्निंग में जैसे कि 1000 व्यूज़ का उसका $1 भी नहीं बन रहा है। तो गाइस मेरा 1000 भी व्यूज़ नहीं आता, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, जैसे कि मेरे 20 30 40 50 ऐसा भी यूज आ रहा है। और गाइस अर्निंग की बात करूँ तो गाइस अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है, जैसे कि उससे डबल ट्रिपल, मतलब बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उससे अर्निंग भी मेरी होती है। तो गाइस ये सब मैं आपको बताता हूँ वीडियो में कितनी अर्निंग हुई है। तो गाइस जैसे कि मैंने स्विफ्ट कोड डाला ही था, जैसे कि स्विफ्ट कोड में बैंक मैनेजर से जाके भी पूछा और गाइस गूगल में भी ढूंढा तो स्विफ्ट कोड भी मेरे को बराबर मिला। तो गाइस उसने क्या बताया, जैसे कि बैंक मैनेजर के पास मैंने स्विफ्ट कोड मांगा तो उसने बताया मेरी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं, जैसे कि हमारी मेन ब्रांच का है उसका है, तुम्हारे को काम लगेगा तो ये लगा लो और हमारी ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, आपका कुछ भी रहेगा मेरे को स्विफ्ट कोड दे दो, तो मेरे को स्विफ्ट कोड उसने लिख कर दे दिया। तो गाइस मैंने स्विफ्ट कोड लिखा तो गाइस मेरे को डाउट लगा कि चलो स्विफ्ट कोड कहीं तो गलत नहीं दे दिया ना उसने, तो स्विफ्ट कोड भी उसका बराबर ही था। जैसे कि तो भी मैं 24 तारीख तक मैंने वेट किया तो भी मेरे अकाउंट में अर्निंग नहीं, जैसे कि पैसा नहीं मिला। तो कैसे मेरे को लगा चलो अभी बैंक ही जाना पड़ेगा। तो कैसे मैं बैंक जाने को तैयार हो गया, रेडी हो गया, तो आधे में बीच में पेमेंट मेरा मैसेज आ गया, जैसे कि मैंने देखा तो कैसे मेरा पेमेंट आ गया और मैसेज आ गया, और मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि मेरा जो भी एडसेंस का अर्निंग है वो मेरा बैंक अकाउंट में जमा हो गया है। तो कैसे ऐसी कोई भी बात नहीं, जैसे कि 25 से 30 तारीख तक मैं अपना जितना भी अपना एडसेंस का अर्निंग रहेगा, जैसे कि $100 से ऊपर ही होगा, वो अर्निंग ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि कोई दूसरे बैंक में तो ऐसे फीचर रहेगा, जैसे सुविधा रहेगा, जैसे कि उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे बहुत सारी ऐसी भी बैंक है जैसे कि मेरे को पता है, और कैसे मेरा जो बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ कॉन्टेक्ट भी है तो भी वो भी मेरे को भी बताता है, जैसे कि बैंक में जाना पड़ता है, जैसे कि किसी को भी बैंक में जाना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारी बैंक है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा और आगे की वीडियो में सब बताऊंगा कि यूट्यूबर के लिए कौन सी बैंक अच्छी है और कौन सी बैंक यूज़ करे तो कभी उसके पास बैंक के वाले के पास सब उनको जाना ना पड़े। तो कैसे मेरा बैंक अकाउंट में था वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि मेरे बैंक में तो डायरेक्ट गाइस कुछ जरूरत नहीं पड़ा था बैंक जाने की, और गाइस बहुत सारे यूट्यूबर को जाना पड़ता है, हर महीने की पेमेंट आती है तभी उसको बैंक वाले के पास जाना पड़ता है और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि उसको बताना पड़ता है कि मेरा पेमेंट आया है कि नहीं आया है, वो सब उसको बताना पड़ता है और साइन बाइन वगैरह करना पड़ता है तभी उसको पेमेंट मिलती है। तो गाइस मेरे को तुरंत ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी और मेरा पेमेंट आ गया अकाउंट में। तो गाइस मेरा पेमेंट कितना है वो भी चलो मैं बता देता हूँ। तो कैसे मेरा कुछ पेमेंट 12,800 से कुछ करीबन ऐसा कुछ आया था, मतलब मैं मेरा कुछ अकाउंट में था अभी तो भी मेरा, अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इतना ही मेरा पेमेंट आया था। तो गाइस मैंने आपको, आप मेरे लिए इतना करते हो तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ। तो गाइस मैंने एग्जैक्टली आपको पेमेंट बता दिया है। और गाइस अभी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।